कानाडा रोथबा एवं सेठाकू पाठ पढ़ापाई जाउथबा शिक्षार्थींकू सतर्क रहबापाई भारत सरकार को परामर्श। भारत सरकार को पक्षरु कानाडा रोथबा भारतीय छात्र एवं अन्य नागरिकंकू पाई परामर्श जारी करा जायछि। कानाडा रे घृणा अपराध बा हेट क्राइम संख्या आशातीत बढ़िबा लागिछि। या सहित सेठारे सांप्रदायिक हिंसा एवं भारत विरोधी कार्यक्रम बढ़ुथबारु भारतीय शिक्षार्थींकू सबु प्रकार परिस्थिति प्रति जत्नवान रहिबापाई कुहाजाइछि। कानाडा रे अवस्थापित भारतीय हाई कमिशन एहा उपरे कानाडा सरकार को अवगत कराइबा सहित एहा उपरे उचित कार्यानुष्ठान पई दाबी करिछन्ति। कानाडा रे थिबा भारतीय नागरिक छात्र किंबा कानाडा यात्रा योजना रे थिबा भारतीय सावधान रहिबापाई कुहाजाइछि। या सहित भारतीय नागरिकंकु madad.gov.in रे पंजीकरण करबापई कुहाजाइछि। भारत सरकार को परामर्श परे एहा उपरे प्रतिक्रिया रखिछन्ति कानाडा रे बास करथुबा छात्र एवं सेमानकर अभिभावक। सुनने में आया कि हमारे गृह मंत्रालय ने जो नोटिस जारी किया है कि मतलब विदेश में अगर जैसे कनाडा में कोई हमारे मतलब इंडियंस को दिक्कत आ रही है, बट अकॉर्डिंग टू मी मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बिल्कुल इंडियन माहौल है और जो मेरे साथ के हैं जहाँ मैं काम करता हूँ बहुत घरेलू माहौल है वहाँ पे, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं एग्री हूँ गवर्नमेंट के साथ और हम गवर्नमेंट के साथ ही हैं हर चीज़ में, गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे अगर जैसे गवर्नमेंट हमको बोलेगी। देखो मैं माँ हूँ, अगर कोई गड़बड़ वहाँ पे होती है तो मुझे अपने बच्चे की टेंशन रहेगी, चिंता रहेगी। बच्चा वैसे भी परदेश में हो तो माँ बाप को चिंता होती है, लेकिन अभी तक जो इंडियन बिस्ट्रो रेस्टोरेंट है इसका जो उसके ओनर हैं, जो इसके मालिक हैं, जो जिस बच्चे ने इसको बुलाया है, बहुत अच्छा माहौल है वहाँ का। कोई ऐसा अभी तक कोई मैंने सुना नहीं है, और अगर सरकार ने कोई ये फरमान जारी किया है या कोई बोला होगा तो कुछ हुआ होगा, तो तभी ये बात निकली है। अगर अलर्ट रहने के लिए गवर्नमेंट हमको बोलती है तो अलर्ट भी रहना पड़ेगा। ये बहुत बुरी बात है कि इन्होंने ऐसे किया है, जिन्होंने भी शूट किया है बच्चे को, पीछे की फैमिली को भी दुख होगा बहुत, और किसी का बच्चा एक्सपायर हो जाए ऐसे बहुत बुरी बात है। और मैंने भी पढ़ा भी है, गवर्नमेंट ने madad.gov.in करके कोई वेबसाइट है, उस पर अपने अपने बच्चों को उन्होंने एडवाइस किया है कि उस पर पोर्टल पे अपना नाम चढ़ा दें ताकि अपडेटेड रहे सारा। और मैंने अपनी बेटी को भी अभी मैसेज भेज दिया है, जैसे ही वहाँ पे टाइम होगा वो कॉल करेगी मेरे को या मैं कॉल करके उसको अपडेट भी करूँगा कि आज ही वो ये वाला काम करे। मैंने सिस्टर को भी भेजा और ब्रदर को भी भेज दिया।